In the today's lecture, we will discuss what is the next chapter in the pharmaceutic second, that is posology. इससे पहले हमने previous lecture में देख लिया था कि prescription क्या है, prescription के अंदर उसके definition, parts of prescription, modern method of prescription, then handling of prescription, then Latin term and its abbreviation. After that, the calculation which is related to prescription. ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में सीख लिया था कि क्या है प्रिस्क्रिप्शन और उसके मायने क्या है और क्यों यूज़ होता है प्रिस्क्रिप्शन, कौन देता है और किस लिए देते हैं, ये हमने देख लिए थे. तो नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर था हमारा. और नेक्स्ट चैप्टर में हमने इनकम्पैटिबिलिटी स्टडी कर लिए थे. इनकम्पैटिबिलिटी के क्या होती है, इनकम्पैटिबिलिटी क्यों होती है और हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस इनकम्पैटिबिलिटी इन द प्रिपरेशन. ओके, तो उसके तीन टाइप थे. एक थी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, सेकेंड थी जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, एंड जो थर्ड थी वो क्या थी, थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी. ये हमने स्टडी कर लिए थे और उसके जो करेक्शन मेथड थे इनकम्पैटिबिलिटी की वो भी हमने देख लिए थे. तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हमको स्टडी करना है कि ये हमारा थर्ड चैप्टर है विच इज़ रिलेटेड टू पोस्टोलॉजी. अब पोस्टोलॉजी क्या है ये हमको स्टडी करना है. तो इसकी डेफिनेशन की हम डेफिनेशन हम पढ़ते हैं. द वर्ड पोस्टोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज पोसोस मीन्स हाउ मच एंड लोगोस मीन्स साइंस. अब इन्होंने यहाँ बताया है कि पोसोस मतलब हाउ मच एंड लोगोस मीन्स साइंस. इसका मतलब ये होता है कि एक ड्रग जो रहता है, एक एक्टिव मेडिकामेंट जो रहता है, वो कितने टाइम में और कितनी क्वांटिटी में हमको पेशेंट को देना है उसको क्या बोलेंगे, उसको पोस्टोलॉजी ऐसे बोलेंगे. तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो मेन डेफिनेशन है डेफिनेशन की तरफ. द पोस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स विच कैन बी एडमिनिस्टर टू द पेशेंट टू गेट डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन. मतलब पोस्टोलॉजी एक ब्रांच है. किसकी ब्रांच है, मेडिसिनल साइंस की एक ब्रांच है. और उसके अंदर दैट डील्स, उसके अंदर स्टडी किया जाता है डोज और जो डोज रहता है, डोज का स्टडी किया जाता है और उसकी क्वान्टिटी और उसका जो अमाउंट है वो कितने अमाउंट में वो ड्रग्स पेशेंट को देना है और उसके उस ड्रग और मेडिकामेंट का पेशेंट के ऊपर कितना डिजायर्ड और फार्माकोलॉजिकल एक्शन पेशेंट के ऊपर हमको देखने को मिलता है, इसे क्या बोलेंगे हम, पोस्टोलॉजी. तो समझ में आ गया पोस्टोलॉजी क्या है. पोस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट टू गेट डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन. ये थी डेफिनेशन. इसके बाद हमको स्टडी करना है डोज और डोसेज ऑफ ड्रग. अब भी डोज और डोसेज ऑफ ड्रग में क्या डिफरेंस है ये हमको स्टडी करना है. तो पहले देख लेते हैं हम कि डोज क्या होता है. डोज इज एन सिंपल अमाउंट. क्या रहता है, एक सिंपल अमाउंट रहता है जो ड्रग है, एक्टिव मेडिकामेंट रहता है, उसका एक अमाउंट, उसकी एक क्वांटिटी रहती है जो कि हम पेशेंट को देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डोज. फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल 450 मिलीग्राम टैबलेट. ये जो पैरासीटामोल की टैबलेट है, समझो एस्पिरिन की टैबलेट है, ये जो टैबलेट रहती है, ड्रग रहता है, समझो एक सिरप है, कोई सस्पेंशन है, इमल्शन है, ये जो रहता है ना उसको क्या बोलेंगे, डोज बोलेंगे. आफ्टर दैट देन नेक्स्ट इज डोसेज. डोसेज क्या होता है ये हमको स्टडी करना है. डोसेज डोसेज इज द साइज और फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज ऑफ ए मेडिसिन और ड्रग्स. डोसेज मतलब क्या होता है कि एक फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स दैट ड्रग्स विच आर गिवन टू द पेशेंट्स. कितने टाइम में वो ड्रग कितनी क्वांटिटी में हमको पेशेंट को देना है उसको क्या बोलेंगे, डोसेज ऐसे बोलेंगे. तो एग्जाम्पल है यहाँ पर ए डोसेज ऑफ पैरासीटामोल 450 मिलीग्राम थ्राइस अ डे. अभी पैरासीटामोल की एक टैबलेट है, इसको क्या बोलेंगे, तीन दिन में एक टैबलेट टू टाइम्स अ डे, वन टैबलेट इज टेकन टू बी टू टाइम्स अ डे, थ्री टाइम्स अ डे, आफ्टर मील, बिफोर मील, एक्सेट्रा, ऐसे इस तरह से देते हैं. जबकि एक टैबलेट है, दिन में दो दफ़ा लेनी है, खाने के बाद लेनी है, खाने के पहले लेनी है. इसका जो क्वांटिटी रहता है उसको क्या बोलेंगे, ऐसे डोसेज ऐसे बोलेंगे. समझ में आए डिफरेंस डोज और डोसेज का डिफरेंस. डोज मतलब एक सिंपल एक अमाउंट और क्वांटिटी रहती है ड्रग की, और डोसेज मतलब क्या होता है कि कितने टाइम में पेशेंट को कितने टाइम, दिन में दो बार देना है, तीन बार देना है, बिफोर मील देना है, आफ्टर मील देना है, नाइट देना है, डे देना है, इस तरह से डोसेज होता है. देन नेक्स्ट अब कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो कि पोस्टोलॉजी को और डोज को अफेक्ट करते हैं. मतलब क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं उस फैक्टर. हमने जैसा साइज रिडक्शन के फैक्टर देख लिए थे,
उसी तरह इस पोसोलॉजी के और डोज के कुछ फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं उस डोज को। अब फर्स्ट जो हमको पहले देखना है कि क्या जो फैक्टर कौन से, जो ऐसे फैक्टर, ऐसे 16 फैक्टर हैं, वन बाय वन हमको स्टडी करना है। हम पहले देख लेते हैं कि वो फैक्टर कौन से हैं। फर्स्ट जो है एज है, देन नेक्स्ट जेंडर, नेक्स्ट बॉडी वेट, देन नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देन नेक्स्ट टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देन नेक्स्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, नेक्स्ट इमोशनल फैक्टर्स, प्रेजेंस ऑफ डिसीज, एक्यूमुलेशन, नेक्स्ट एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, आइडियोसिनक्रेसी, टैकिफिलेक्सिस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस एंड लास्ट टॉलरेंसेस। सो लेट्स सी वन बाय वन ऑल ऑफ दिस फैक्टर विच इज अफेक्टिंग टू द डोज। फर्स्ट जो फैक्टर है वो हमको स्टडी करना है। अब एज के हिसाब से जो एज रहता है ये किस तरह से अफेक्ट करता है डोज को, वो हमको स्टडी करना है। द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मेनी ड्रग्स, फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या, जो ड्रग रहता है वो ड्रग की मूवमेंट बॉडी में किस तरह से होती है उसको क्या बोलेंगे, फार्माकोकाइनेटिक। ड्रग रहता है, फार्माकोकाइनेटिक मीन्स व्हाट, द ड्रग्स व्हाट वी कैन मूव इन द बॉडी, वो जो ड्रग रहता है बॉडी के अंदर उसकी मूवमेंट किस तरह से होती है, किस तरह से उसका एब्सॉर्प्शन रिजोल्यूशन रेट क्या होता है उसको क्या बोलेंगे, फार्माकोकाइनेटिक ऐसे बोलेंगे। द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मेनी ड्रग्स चेंज विथ एज, मतलब जैसा एज चेंज होता है, चिल्ड्रन रहता है, एल्डर रहता है, ओल्ड पेशेंट रहता है, उसी तरह से फार्माकोकाइनेटिक की जो मूवमेंट रहती है ड्रग की वो चेंज हो जाती है। जैसा जब चिल्ड्रन रहता है तो उसके अंदर डिजोल्यूशन रेट और एक्सक्रीशन जो रेट रहता है ड्रग का फास्ट रहता है, और यंगर पर्सन में भी फास्ट रहता है, ओल्डर पर्सन में भी फास्ट रहता है, और जो एल्डर पेशेंट रहते हैं, जो एल्डर पेशेंट और पर्सन रहता है उसके अंदर क्या होता है कि जो एक्सक्रीशन का जो रेट रहता है ड्रग का, एक्सक्रीशन का, एसिड एक्सक्रीशन का जो रेट रहता है वो फास्ट रहता है एज कम्पेयर टू तो ओल्डर पेशेंट के अंदर, ओल्डर और चिल्ड्रन पेशेंट के अंदर क्या रहता है कि एक्सक्रीशन का रेट ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द एल्डर पेशेंट्स। तो यहाँ पर क्या है, द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मेनी ड्रग्स चेंज विद एज, एज के हिसाब से उसकी मूवमेंट चेंज हो जाती है। द नेक्स्ट, सो व्हाइल डिटरमाइनिंग द डोज ऑफ ड्रग, द एज ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। अब ये डिटरमाइन ड्रग का डिटरमिनेशन करने के वास्ते एज का एक बड़ा सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है। द नेक्स्ट, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल नीड लेजर अमाउंट ऑफ ड्रग्स देन द नॉर्मल अडल्ट डोज। मैंने जैसे कि बोला था अभी, जो चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल्स रहते हैं उनको जो अमाउंट रहता है कम अमाउंट रहता है एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर पेशेंट्स, बिकॉज दे आर अनेबल टू एक्सक्रीट ड्रग्स दैट द एक्सटेंट एज एन एडल्ट। मतलब जो चिल्ड्रन और ओल्ड पेशेंट रहते हैं उनको जो ड्रग दिया गया रहता है वो कम अमाउंट पे लगता है, और अगर हम उनको जो ड्रग देते हैं और देने के बाद क्या होता है, उनका एक्सक्रीशन जो रहता है फास्ट, एक्सक्रीशन जो रेस्ट रहता है वो फास्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड पेशेंट्स। जैसे बोलते हैं ना, इसमें क्या रहता है कि जो एज रिलेटेड जो भी डिसीज वो रहते हैं पेशेंट के अंदर, या तो जैसा उनकी एज बढ़ती रहती है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिसीज़ होने लगते हैं, तो ओल्डर पेशेंट को अलग से दवाई देनी पड़ती है हमको, चिल्ड्रंस को अलग तरह के दवाई देनी पड़ती है, और यंगर जो रहते हैं उनको अलग टाइप की मेडिकामेंट और मेडिसिन देना पड़ता है डॉक्टर्स को। देन नेक्स्ट, चिल्ड्रन कैन टॉलरेट रिलेटिवली लार्जर अमाउंट्स ऑफ बेलाडोना, डिजिटेलिस एंड इथेनॉल। मतलब जो चिल्ड्रन जो रहते हैं उनको क्या, किस तरह से, कौन से ड्रग वो टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब टॉलरेट म्हणजे सहन करू शकतात किंवा ते ॲक्सेप्ट करू शकतात, सहन करू शकतात, टॉयलेट म्हणजे कोणते ते ड्रग आहेत, ते बेलाडोना एक आहे, डिजिटॅलिस आहे, देन इथेनॉल आहे, हे जे ड्रग आहेत किंवा त्यांचं जे प्रिपरेशन असतं ह्या ड्रग्सचं ते टॉलरेट करू शकतात, कोण, चिल्ड्रन। Whereas elder patients are more sensitive to some drugs. अब कुछ ड्रग ऐसे रहते हैं कि एल्डर पेशेंट को वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, वो ड्रग से उनको बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं वो, तो वैसे कौन से ड्रग हैं वो, हिप्नोटिक्स, मतलब जो स्लीप प्रोड्यूस करते हैं, जो नींद आने की जो दवाई रहती है वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं किसमें, यंगर और एल्डर पेशेंट के अंदर।
देन नेक्स्ट ट्रैंक्विलाइजर्स, हिप्नोटिक्स मतलब स्लीप प्रोड्यूस करते हैं उस टाइप के ड्रग्स, देन ट्रैंक्विलाइजर मतलब जो टेंशन रहता है, राग जे असतं, एन्झायटी जे असतं ते कमी करतात. ट्रैंक्विलाइजर म्हणजे जे राग असतो किंवा जे टेंशन डिप्रेशन असतं पेशंटला ते कमी करतं, ट्रैंक्विलाइजर दिल्यानंतर ते कमी होऊन जातं. देन नेक्स्ट आहे विच मे प्रोड्यूस कन्फ्युजन स्टेट्स, और क्या बोलते हैं ये कि जो कन्फ्यूजन प्रोड्यूस होता है, जो प्रोड्यूस होता है स्टेट्स इन देम, मतलब उसको कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं इस टाइप से. ट्रैंक्विलाइजर जो रहता है, अगर किसी को बढ़ाना भी होता है, कुणाला जे शांत असं विद्य पर्सन असेल तर त्याला रागीट बनवायचं असलं तरी आपण ते ट्रैंक्विलाइजर देऊन त्यांना तसं करू शकतो. जर त्यांना डिप्रेशन असू शक असेल किंवा एन्झायटी किंवा राग असेल ते पण कमी पण करू शकतो, वाढू पण शकतो. हे ह्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. एज हे एक फॅक्टर आहे जेणेकरून ते डोसला किंवा पोसोलॉजीला अफेक्ट करतं. म्हणजे एक सिंपल आपल्याला सांगायचं असेल तर की डॉक्टर लोक काय करतात की त्यांचं एज बघूनच मेडिसिन किंवा ड्रग देतात. की असं असतं का की छोटं लहान बाळ आहे 5 वर्षाचं त्याला आपण हाय पॉवर हाय वेटचं जे ड्रग मेडिकामेंट दिलेलं आहे असं नसतंय. त्या चिल्ड्रन का एज देख कर ही उसको कौन सी दवाई सूट होती है वो देते हैं. देन यंगर पर्सन्स को जो सूट होता है वो देते हैं, और ओल्ड पेशेंट को जो रहता है, ओल्ड पर्सन जो रहते हैं उनको कौन सी टाइप की और कौन सी ड्रग कितने अमाउंट पे देना है ये यहाँ पर बताया गया है. तो इस तरह से ये एज एक फैक्टर है विच इज अफेक्ट द डोस, डोस को एक अफेक्ट करता है. नेक्स्ट देख लेते हैं हम. नेक्स्ट जो है जेंडर, और वी कैन सेट दैट द सेक्स. आफ्टर दैट मॉर्फिन, एंड इसके अंदर क्या बताया गया है कि एक मॉर्फिन और बारब्यूट्यूरेट्स. मॉर्फिन तो एक नार्कोटिक टाइप का जो ड्रग रहते हैं, नार्कोटिक में कौन कौन से आते हैं, कोडीन, मॉर्फिन, गांजा, चरस, इस टाइप के जो ड्रग रहते हैं वो नार्कोटिक के अंदर आ जाते हैं. और बारब्यूट्यूरेट्स डिराइव किया जाता है बारब्यूट्यूरिक एसिड से, बारब्यूट्यूरेट्स प्रोड्यूस किया जाता है जो कि स्लीप प्रोड्यूस करने के वास्ते यूज़ किया जाता है. अब इस टाइप के जो ड्रग रहते हैं ज़्यादा एक्साइटमेंट बना, ज़्यादा पेशेंट के अंदर ज़्यादा एक्साइटमेंट भी प्रोड्यूस करते हैं. और इससे ये जो टाइप के जो ड्रग रहते हैं उससे क्या होता है कि सिडेशन, मतलब क्या एक गुंगी म्हणणं आपण काय म्हणू शकतो, सिडेशन म्हणजे एक गुंगी किंवा झोप येणे किंवा असं शिवा शांत असं काम प्रोड्यूस होणे पेशंटला असं होतो. कशामध्ये, वुमेन्समध्ये ॲज कम्पेअर टू मेन, किंवा माणसापेक्षा बायकामध्ये काय होणार आहे की हे जे स्लीप प्रोड्यूस होणार आहे किंवा सिडेशन होणार आहे ते जास्त होणार आहे ॲज कम्पेअर टू मेन्स. द नेक्स्ट, स्पेशल केअर शूड बी टेकन व्हेन ड्रग्स आर ॲडमिनिस्टर्ड ड्युरिंग मेन्स्ट्रुएशन, प्रेग्नन्सी अँड लॅक्टेशन. जबकि जब फीमेल में मेन्स्ट्रुएशन और प्रेग्नन्सी और लॅक्टेशन के पीरियड में एक स्पेशल केअर लिनी पडती है डॉक्टर्स को, कि ऐसे कौन से भी ड्रग एज कम्पेयर टू जैसे क्या हम बोलेंगे अल्कोहल है, बारब्यूट्यूरेट है और अदर टाइप की जो ड्रग रहते हैं जो कि हार्मफुल रहते हैं, इस कंडीशन में फीमेल्स को नहीं दे सकते. The next, the strong purgative such as aloes should be avoided during menstruation. Similarly, the drugs which may stimulate the uterine smooth muscles, example drastic purgatives, anti-malarial drugs and ergot alkaloids are contraindicated during pregnancy. इसमें क्या बताया गया है कि आप सभी ने देखा था purgative type की जो drugs रहते हैं जो कि constipation होता है, irritating जो produce करता है उसको क्या वो क्या करते हैं, एक laxative type की जो drug रहते हैं, तो ऐसे type की जो drug रहते हैं इनको क्या करना पड़ता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर नहीं देना पड़ता है. तो सिमिलरली सम ऑफ द ड्रग्स विच स्टिमुलेट द यूटराइन स्मूथ मसल्स, एग्जांपल जो यूटराइन स्मूथ मसल को क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं. तो उस टाइप के जो ड्रग रहते हैं उसको एग्जांपल समझ लो, यहाँ पर ड्रास्टिक परग्यूटिव दिया है इन्होंने, एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, इर्गोट एल्कलॉइड्स है, और ये जो टाइप के ड्रग रहते हैं ये प्रेगनेंसी में नहीं दिए जाते. तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग बोलेंगे. कैसे कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हमने देख लिया था कि एक टाइप का जो ड्रग है एक कंडीशन में हम उसे नहीं दे सकते. समझ में आ रहा है, एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ नहीं ले सकते, और एक ड्रग दूसरे एक कंडीशन में एक दूसरे डिसीज में हम नहीं ले सकते, उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ऐसे बोलेंगे. समझ में आए क्या है जेंडर. इसमें इन्होंने यही बताया कि फीमेल के अंदर किस तरह से कौन से ड्रग देने चाहिए, कौन से नहीं देना चाहिए, और देंगे तो क्या अफेक्ट होगा डोज के ऊपर, यही एक इसका मायने है. देन नेक्स्ट, ये जेंडर में ही आता है. द देर आर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, देर आर सर्टन ड्रग्स विच ऑन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द मदर आर कैपेबल ऑफ
क्रॉसिंग द प्लासेंटा एंड अफेक्टिंग द फोइटस. एग्जाम्पल अल्कोहल, बारबिचुरेट्स, नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स एक्सेट्रा. कुछ ड्रग जो ऐसे रहते हैं कि मदर के अंदर जो प्रेग्नेंट वुमेन रहते हैं उसके अंदर नहीं दे सकते. अगर देंगे तो क्या होगा, वो क्रॉस करेगा प्लासेंटा को क्रॉस कर फोइटस में चले जाएगा, तो उससे बेबी को एक हार्मफुल प्रोड्यूस होने की एक काय असतं ते हार्मफुल होऊ शकतो त्या बेबीला. त्यासाठी काही काही जे ड्रग असतात त्या वुमन प्रेग्नेंट वुमनला द्यायचे नसतात. ते कोणते ड्रग आहेत, एक अल्कोहोल आहे, बार्बिट्युरेट्स आहे, नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक. नार्कोटिक मतलब जैसे हमने देखा था क्या, मॉर्फिन, कोडीन. और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक मतलब एस्पिरिन जो टाइप के ड्रग रहते हैं उसे नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक कैसे बोलेंगे. एनाल्जेसिक मतलब पेन रिमूव करना, एक काम प्रोड्यूस करना, एक रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करना. एनाल्जेसिक पेन रिमूव करना उसे बोलते हैं ना एनाल्जेसिक. उसी तरह से नॉन नार्कोटिक में क्या आता है, एस्पिरिन वो आ जाता है. तो ड्यूरिंग लैक्टेशन द ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामाइंस, मॉर्फिन एंड टेट्रासाइक्लिन विच आर एक्सक्रीटेड इन द मिल्क शुड बी अवॉइडेड और गिवन वेरी कॉशियसली टू द मदर्स हु आर ब्रेस्ट फीडिंग टू द बेबीज. मतलब जो लैक्टेटिंग वुमन्स रहता है उनके अंदर एंटीहिस्टामाइंस, मॉर्फिन और टेट्रासाइक्लिन ड्रग नहीं देते. अगर देंगे तो उनके मिल्क से वो ड्रग प्रोड्यूस हो जाएंगे, इसलिए बेबी को वो हार्मफुल होगा. इसलिए ऐसे इस टाइप के ड्रग्स हम लैक्टेटिंग वुमन को नहीं देते. देन नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा बॉडी वेट, द यूजुअल डोसेस फॉर द ड्रग्स आर मेंशन है जनरली फॉर 70 kg अडल्ट. तो पेशेंट का क्या रहता है कि सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं कि पेशेंट जब आता है तो उसका बॉडी का उसकी एज के हिसाब से उसका बॉडी का वेट मेजर करते हैं, ताकि वो उसका वेट सही उसके एज के हिसाब से उसका वेट सही है कि नहीं वो देखते हैं. तो एज़ कम्पेयर टू 50 से 100 kg के अंदर अडल्ट का 50 से 70 kg के अंदर उसका वेट उसके इन बिटवीन 50 to 70 kg और 100 kg उसके एज के हिसाब से उसका वेट होना चाहिए अडल्ट का समथिंग 70 kg और एक्सेट्रा. तो उसके हिसाब से ही हमको पेशेंट को दवाई और मेडिसिन देना होती है. द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एट साइट ऑफ एक्शन इज बेस्ड ऑन द रेशो बिटवीन द अमाउंट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड एंड साइज ऑफ बॉडी वेट. उसका बॉडी वेट देख के ही एज के हिसाब से उसका बॉडी का वेट मेजर करते हैं, और उसके हिसाब से उसको अगर वो पर्सन बहुत वीक है तो उसको पहले स्ट्रांग करते हैं. उसका वीकनेस जो है, फटिक जो रहता है, उसका वीकनेस जो रहता है वो कम कर उसको पहले मल्टीविटामिन के टैबलेट्स वो देते हैं. अगर त्याला आवश्यकता असेल ते कम खूपच कमजोर वीक असेल तर त्याला मल्टीविटॅमिन्स वगैरे देतात. त्यासाठी बॉडीचं वेट पण त्याच्या एजनुसार व्यवस्थित किंवा इन बिटवीन 50 to 70 kg और 100 kg के बीच में रहना चाहिए. ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग एंड साइज ऑफ बॉडी वेट. तो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन उसका एज और बॉडी का वेट के हिसाब से अमाउंट ऑफ ड्रग कितना देना है वो डॉक्टर्स लोग प्रिस्क्राइब करते हैं ड्रग्स पेशेंट को. द नेक्स्ट, द डोज ऑफ कैलकुलेशंस फॉर एबनॉर्मली थिन और ओबेस पेशेंट्स आर रिक्वायर टू कैलकुलेट द बेसिस ऑफ बॉडी वेट. जो भी मैंने जैसा कि पहले अभी बताया है कि उसका बॉडी का वेट और एज देखकर ही उसको अगर खूप वीक आहे किंवा असं बऱ्यापैकी चांगलं आहे तर त्याचं वेट बघूनच त्याला काही वेळ मल्टीविटॅमिनचे टॅबलेट द्यावे लागतात का वीकनेस आहे तर त्याला एक प्रोव्हाइड करतं मल्टीविटॅमिन किंवा विटॅमिनची जी B12 कॉम्प्लेक्स जो असतो ते त्याला पेशंटला देतात डॉक्टर्स लोक. हे सांगितलेलं आहे की सांगण्याचा उद्देश हेच की त्याचं बॉडीचं वेट त्याच्या एजनुसार व्यवस्थित आहे की नाही हे बघूनच डॉक्टर त्याला ड्रग प्रिस्क्राईब करतात. देन नेक्स्ट फॅक्टर जो आहे रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. अब रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग के रूट्स रहते हैं जो कि पेशंट को ड्रग्स हम ॲडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओरल रूट, सबक्यूटेनियस रूल है, डर्मल सबक्यूटेनियस, देन इंट्रावेनस रूट जो रहते हैं. जैसे आप सभी को ये स्टडी करना है फार्माकोलॉजी में इन डिटेल स्टडी आपको मिल जाएगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो इंट्रावेनस क्या है, इंट्रा मतलब मध्ये, वेनस म्हणजे व्हेन्समध्ये जे ड्रग आहे विथ द हेल्प ऑफ इंजेक्शन वी हॅव टू इंजेक्ट द ड्रग्स.
इंट्रावेनस रूट से हमको जो ड्रग देना है वो हम डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर दे सकते हैं, और उससे क्या होगा, एक फास्ट और क्विक एक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। फास्ट और क्विक एक्शन तो ये देता है, बट क्या होता है कि सम केसेस में अगर हम बाय मिस्टेक कुछ दे ड्रग देने में गल्ती हो गई या कुछ भी एक प्रॉब्लम आ गया और थोड़ा जरा आलं तर काय होणार आहे, एक टॉक्सिसिटी पण ह्याच्यामध्ये प्रोड्यूस होणार आहे। कारण का की जसं आपण ॲज कम्पेअर टू ओरली जे ड्रग घेतात, आपण जे घेतो तो ओरली ड्रग, त्याच्यामध्ये काय होतं की ते आपण जेव्हा ते ड्रग इंटेक केल्यानंतर काय होणार आहे, डिसइंटिग्रेशन, डिझोल्यूशन, त्यानंतर मिक्स होणार आहे ते पूर्ण ॲसिडमध्ये आणि त्यानंतर ते बॉडीमध्ये रीच होणार आहे। तसं इंट्राव्हेनस रूटमध्ये होत नाही आहे, इंट्राव्हेनस रूटमध्ये डायरेक्ट इंजेक्ट केलं जातं ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम आणि ते क्विक फास्ट ॲक्शन पण दाखवतं बॉडीवर, त्याच्यामुळे काही काही कंडिशनमध्ये त्याच्यामुळे काय टॉक्सिसिटी पण प्रोड्यूस होऊ शकते हे तिथं सांगितलेलं आहे। तर इंट्राव्हेनस डोसेस ऑफ ड्रग्स आर युजली स्मॉलर, उसका डोस जो रहता है स्मॉल रहता है ॲज कम्पेअर टू काय ओरल डोस क्या करता है, ज़्यादा भी दे सकते हैं, और स्मॉल अमाउंट में जो ड्रग देना है वो इंट्रावेनस में हम दे सकते हैं। बिकॉज क्या कारण है उसका, द ड्रग्स एडमिनिस्टर्स इंट्रावेनसली एंटर द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली, जो कि हमने जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी इंट्रावेनस रूट के अंदर ड्रग हम देते हैं तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हम जो इंजेक्ट कर देते हैं, जैसा आप म्हणतो ना इंजेक्शन देतो बॉडी मध्ये आणि ते डायरेक्टली ब्लड मध्ये ड्रग दिलं जातं आणि त्याच्यामुळे फास्ट क्विकली ॲक्शन आपल्याला भेटते। तर ॲज कम्पेअर टू ओरल त्याच्यानुसार ह्याच्यामध्ये स्मॉलर अमाऊंटमध्ये डोस दिलं असं असतं का, घेतलं सलाईन दिवसाला 4-5 लावतात आपण, पण खूपच विकनेस वगैरे असल्यानंतर असं टॅबलेटसारखं घेत नाहीत आपण, स्मॉलर अमाऊंट डोस ते जास्त, जसं आपण सलाईन बॉटल वगैरे बघितलं ना त्याच्यामध्ये ते काही दुसरं जर ॲक्टिव मेडिकमेंट्स किंवा ड्रग जे आपल्याला द्यायचं असेल तर त्या सलाईनच्या बॉटलमध्ये पेशंट ड्रग क्या प्रिस्क्रायबर क्या करते डॉक्टर लोक इंजेक्ट से फर्स्टली क्या करते उस बॉटल के अंदर वो ड्रग डालते स्मॉल अमाउंट में और वो पेशंट को दे देते थ्रू द इंजेक्शन। तो ड्यू टू दिस रीजन द ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज अ क्विक विथ इंट्रावेनस रूट, एक्शन क्विक रहती है ऑब्वियसली, डायरेक्टली ब्लड के अंदर वो ड्रग दिया जाता है, इसके वास्ते क्या होता है क्विक एक्शन जो प्रोड्यूस होती है एंड दिस माइट इनहांस द चांसेस ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक तो क्विक फास्ट एक्शन होने की वजह से कुछ कुछ कंडीशन में क्या होता है कि एक टॉक्सिसिटी पन निर्माण हो सकते हैं, हेज एक अफेक्टिंग एक फैक्टर है इंट्रावेनस रूट टू द डोस। आता नेक्स्ट जे नेक्स्ट आहे ते टाइम ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन में क्या बताएंगे, द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक डिलेज द एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। अब जैसे कि हमने मील मतलब क्या, जे अन्न आपण घेतो, अन्न घेतल्यावर काय होणार आहे, जेव्हा अन्न घेतल्यानंतर काही काही टॅबलेट आपण घेतलं तर त्याचं तेवढं ते काय होणार आहे ॲब्सॉर्प्शन तेवढं व्यवस्थित होणार नाही। काही काही डॉक्टर लोक बोलते हे देखो हमको सकाळी उपाशीपोटी आपल्याला हे टॅबलेट घ्यायची आहे आणि असं का सांगतात की जितना हमारा एम्प्टी स्टमक होगा तो वो टॅबलेट जो रहती है पर्टिक्युलर टॅबलेट क्या करेगी उसका ॲब्सॉर्प्शन जो रेट है ज़्यादा हो जाएगा, और जितना हमारा क्या बोलते हैं कि स्टमक अगर फूड से अगर भरा होगा जेव्हा आपण अन्न घेतो किंवा आपण मील केलेलं आहे तर काय होणार आहे त्या ड्रगची ॲक्शन कमी देणार आहे। काही काही ड्रगसाठी म्हणते मी, सगळ्या ड्रगला म्हणत नाही, काही काही ड्रगसाठी असं असतं आहे, तर जे एम्प्टी असेल ना ड्रग तर त्याला ते जास्त ॲब्सॉर्प्शन जे रेट आहे जे ते फास्ट होईल क्विकली होऊन जाईल रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन ॲब्सॉर्प्शन। द नेक्स्ट द ड्रग्स आर मोर रॅपिडली ॲब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी जब स्टमक होगा तो ड्रग का जो ॲब्सॉर्प्शन रेट है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। द सो द अमाउंट ऑफ ड्रग्स विच इज व्हेरी इफेक्टिव व्हेन टेकन बिफोर अ मील मे नॉट बी दैट मच इफेक्टिव व्हेन टेकन ड्यूरिंग और आफ्टर मील। मतलब इन्होंने क्या बताया कि कुछ कुछ जो ड्रग रहते हैं वो एम्प्टी स्टमक से ही लेने हैं, एम्प्टी लेने के बाद ही आपको उसका एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जो आगे पहले क्या बोलते हैं डॉक्टर, 3 टाइप के या 4 टाइप के जो ड्रग लिख के देते हैं प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, पहले बोलते हैं कि आपको ये ड्रग बिफोर
मिल लेना है म्हणजे सकाळी उपाशीपोटी ही टॅब्लेट घ्यायची, त्यानंतर जेवणाच्या नंतर ही टॅब्लेट घ्यायची, असं का सांगतात की जे इफेक्ट आहे त्या ॲक्टिव्ह मेडिकमेंटचं जे दुपारी आपण घेणारे किंवा सकाळी जे टॅब्लेट घेणारे उपाशीपोटी त्याचं ॲब्सॉर्प्शन रेट जास्त होईल आणि ते आपल्याला जे ट्रीटमेंट घ्यायची आहे किंवा जे एक बेस्ट रिझल्ट आपल्याला पाहिजे ते व्यवस्थित आपल्याला मिळून जाईल. द इरिटेटिंग ड्रग्स आर बेटर टॉलरेटेड इफ़ एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर मील. अब को इन्होंने बताया कि जो इरिटेटिंग ड्रग्स इरिटेटिंग जे ड्रग आता जेवनाच्या नंतरच द्यावे लागतात, कारण कि ऑब्वियसली आपले स्टमक मध्ये एक ऐसिड असतो आणि इरिटेटिंग प्रोड्यूस करणारे ड्रग आपण जर सकाळी उपाशीपोटी दिलं तर काय होऊन जाईल, ते खूपच एक हार्मफुल इफेक्ट किंवा डेंजरस होऊन जाईल स्टमक मध्ये. त्यासाठी आपल्याला जेवणाच्या नंतर इरिटेटिंग जे ड्रग असतात ते द्यावे लागतात पेशंट्सला. तर ते कोणते ड्रग्स आहेत जे की इरिटेटिंग प्रोड्यूस करतात स्टमकमध्ये? एक फर्स्ट आहे आयर्न आहे, देन आर्सेनिक आहे, कॉडलिवर ऑइल आहे. हे जे ड्रग आहेत ते आफ्टर मिलच आपल्याला पेशंटला द्यायचे. हे काय टाईम ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे जे की डोसला अफेक्ट करतं. देन नेक्स्ट आहे इमोशनल फॅक्टर्स. अब इमोशनल फैक्टर्स के अंदर क्या बताया गया है? इमोशनल फैक्टर्स, इसके कुछ भी फैक्टर या कुछ भी स्टडी करने से पहले उसके नाम में ही आधे से ज़्यादा हमको उस पॉइंट का मीनिंग हमको समझ में आता है. फोकस करना होता है, फोकस करना होता है उस नाम पर. जैसे कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर, अब इन्वायरमेंट से क्या अफेक्ट होगा ड्रग को बॉडी पर, यही यहाँ पर हमको स्टडी करना है. डेलाइट इज अ स्टिम्युलेंट. इन्होंने क्या बताया? डेलाइट इज़ अ स्टिमुलेंट इन्हांसिंग द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग ड्रग्स. मतलब जो दिन में कुछ कुछ ड्रग क्या रहते हैं स्टिमुलेटिंग किंवा काय करतात त्याचा ॲक्शन वाढवतात दिवसामध्ये. असले ड्रग जर आपण रात्री दिलं पेशंटला तर त्याची जे ॲक्शन असते जे की दिवसात चांगलं इफेक्ट देतं ते रात्री देणार नाही आहे. हेच एक एन्व्हायरमेंटचं इफेक्ट आहे डोसचं त्या पेशंटवर. जसं की ह्यांनी सांगितलेले हिप्नॉटिक जे ड्रग असतात ते दिवसात चांगलं काम करतात जेणेकरून ते रात्री चांगलं काम करू शकणार नाहीत हे सांगितलेलं ह्यांनी. आणि डार्कनेस इज अ सेडेटिव, म्हणजे रात्री पण जे सेडेटिव टाईपचे जे ड्रग असतात. सेडेटिव म्हणजे काय? एक असल्या जे सेडेटिव जे ड्रग असतात ते पेशंटला एक काम प्रोड्यूस करतात, ए रिलॅक्सेशन देतात किंवा एक स्लीप किंवा एक गुंगी पण असं म्हणणार नाहीत किंवा एक झोप आल्यासारखं किंवा स्लीप जे प्रोड्यूस करतात ना त्या टाईपचे ड्रगला आपण काय म्हणणार आहेत? सेडेटिव असे म्हणणार आहेत. आणि ते ड्रग्स आपण पेशंट्सला रात्रीच देणार आहेत, समजते? द नेक्स्ट हिप्नोटिक्स आर द अमाऊंट ऑफ बार्ब्युच्युरेट्स. द अमाऊंट्स आणि ह्याने पुढं काय सांगितलं? हिप्नॉटिक्स आर मोर इफेक्टिव्ह आहेत. नाही, हिप्नॉटिक जे ड्रग असतात ते मोर इफेक्टिव्ह असतात. हिप्नॉटिक म्हणजे काय? जे आपण बघितलेले आहे मॉर्फिन कोडिन जे ड्रग असतात ते मोर इफेक्टिव्ह आहेत. रात्रीमध्येच हे ड्रग द्यावे लागतात. पुढं बघूयात आपण. द अमाऊंट ऑफ बार्ब्युच्युरेट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्लीप ड्युरिंग डे टाईम इज मच हायर दॅन द डोस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्लीप ॲट नाईट. इन्होंने क्या बताया? बार्ब्युच्युरेट जो ड्रग रहते हैं ये स्लीप प्रोड्यूस करते हैं. दिन में ही ये ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप प्रोड्यूस करते हैं. इज मच हायर, दिन में ज़्यादा ये क्या करते हैं? स्लीप प्रोड्यूस करते हैं. देन द डोज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्लीप एट नाइट. रात में बार्ब्युच्युरेट जो ड्रग देंगे उतना इफेक्ट नहीं देंगे जो कि दिन में इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है. बार्ब्युच्युरेट स्लीप प्रोड्यूस करते हैं दिन में भी, ऐसे बोलते हैं ना, ये दिन में भी आपको टैबलेट लेनी है तो इससे आपको ज़्यादा आराम मिल जाएगा और आपको अच्छे से दिन में भी नींद आएगी. थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा आराम होने के वास्ते पेशेंट को ज़्यादा दर्द है जैसे कि किसी एक बॉडी के अंदर फ्रैक्चर है, हाथ का जो फ्रैक्चर हो जाएगा तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को. तो उसकी वजह से डॉक्टर क्या करते हैं कि दिन में भी उनको क्या, जैसे कि जितना उनको नींद लगेगी ना जेवढं ते झोपतील तर तेवढं त्यांना ते पेन होणार आहे ना, ते पेन त्यांना कमी जाणवणार आहे. त्यासाठी दिवसात पण डॉक्टर काय करतात की स्लीप प्रोड्यूस करण्याचे ड्रग दिवसात पण देतात आणि रात्री पण देतात. हेच इथं सांगितलेलं आहे एन्व्हायरमेंटचं काय इफेक्ट करतं त्या पेशंटला. तर अल्कोहोल इज अ बेटर टॉलरेटेड इन अ कोल्ड एन्व्हायरमेंट्स दॅन इन समर. जसे की अल्कोहोलचं जे कॉन्सन्ट्रेशन किंवा जे ड्रग किंवा जे मेडिसिन किंवा जे सिरप असतात इन्क्लुडेड इन विच इज इन्क्लुडेड अल्कोहोल इन दॅट सिरप ऑर फॉर्म्युलेशन विच इज बेटर टॉलरेटेड इन अ कोल्ड एन्व्हायरमेंट
त्यानंतर इन समर जो की थंडी का जे वातावरण असतं त्या वातावरणामध्ये अल्कोहोलचे रिलेटेड जे प्रिप्रेशन असतात ते जास्त टॉलरेटेड म्हणजे सहन करू शकतात कोल्ड इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा उसका टॉलरेटेड होता है जे कि समरमध्ये तेवढं जास्त होत नाही असं सांगितलेलं आहे. हे काय आहे ते इन्वायरमेंटल फॅक्टर आहेत जे की अफेक्ट करतात बॉडीवर असं इथं सांगितलेलं आहे. तर पुढचं बघूयात आपण. अब जो नेक्स्ट आहे इमोशनल फॅक्टर. अब इमोशनल फॅक्टर क्या है द पर्सनॅलिटी अँड बिहेवियर ऑफ फिजिशियन मे इन्फ्लुएन्स द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स स्पेशली द ड्रग्स विच इज इंटेंडेड फॉर यूज इन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर. अब इन्होंने क्या बताया इमोशनल फैक्टर मतलब क्या. अब कुछ साइकोटिक पेशेंट्स रहते हैं तो और कुछ पेशेंट रहते हैं कि उनके ऊपर क्या होता है इमोशनल फैक्टर अफेक्ट करता है. जरा असं बघितलं आपण बघत जेवढं आपण आपलं त्या जसं आपलं फॅमिली डॉक्टर वगैरे असतात तर ते आपल्याला आपण त्यांच्याशी जास्त एक कोऑर्डिनेशन निर्माण करू शकतो किंवा असं आपण खुलून त्यांना सांगू शकतो की आपला प्रॉब्लेम काय आहे त्या जेणेकरून ते डॉक्टर काय करतात आपल्याला एक चांगलं प्रिस्क्रिप्शन किंवा एक चांगली आपल्याला ट्रीटमेंट देतात. तेच इथं सांगितलेलं एक इमोशनल फॅक्टर म्हणजे जितना हमारा पेशंट का डॉक्टर से ज़्यादा रिलेशन कोऑर्डिनेशन रहेगा उस तरह से ट्रीटमेंट लेने में हमको आसानी हो जाएगी. जैसे कि एक साइकोटिक पर्सन जो रहते उसके अंदर त्यांना डिप्रेशन असतं स्ट्रेस असतो एन्झायटी असतात अशा कंडिशनमध्ये जर त्या पेशंटचं आणि त्या डॉक्टरचं चांगलं रिलेशन जर असेल तर त्यांना एक ड्रग द्यायला किंवा ट्रीटमेंट द्यायला एक चांगलं पडतं हे जेणेकरून एक इमोशनल एक फॅक्टर असं अफेक्ट करतं त्या डोसवर. आपण बघतो की असं कुठं नवीन आपण डॉक्टरकडे कोणत्या मोठ्या डॉक्टरकडे आपण गेलो तर त्यांच्याशी आपण चांगलं कोऑर्डिनेशन करू शकत नाहीत जेणेकरून जे आपलं जे आपले फॅमिली जे डॉक्टर असतात ना त्यांच्यासोबत आपण चांगलं आपण कोऑर्डिनेट किंवा चांगलं आपण सांगू शकतो. हेच एक इमोशनल फॅक्टर अफेक्ट करू शकतो इन द डोस. द फीमेल्स आर मोर इमोशनल दॅन मेल्स अँड रिक्वायर्स लेस डोस ऑफ सर्टन ड्रग्स. इन्होंने क्या बताया की जो फीमेल्स रहते हैं ज़्यादा इमोशनल रहते हैं और एज कम्पेयर टू मेल्स फीमेल्स के अंदर क्या सर थोड़ा सा ड्रग लगता है कुछ कंडीशन में कुछ डिसीज में एज कम्पेयर टू मेल्स. इनर डोसेज फॉर्म्स कॉल्ड प्लासिबो विच रिसेम्बल द एक्चुअल मेडिकामेंट्स इन द फिजिशियन प्रॉपर्टीज आर नोन टू प्रोड्यूस थेरापेटिक बेनिफिट इन डिसीज लाइक अनजाइना पेक्टोरिस एंड ब्रोंकियल अस्थमा. अब प्लासिबो मतलब क्या. सबसे पहले हम प्लासिबो का मीनिंग समझ लेंगे कि प्लासिबो क्या होता है. प्लासिबो मतलब क्या. एक डॉक्टर क्या कहते हैं एक ड्रग देते हैं और एक दवाई देते हैं मेडिसिन दे देते हैं लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि एक्टिव मेडिकामेंट्स नहीं होता एज लाइक एक बाइंडिंग एजेंट्स सस्पेंडिंग एजेंट्स वो ड्रग किंवा टॅबलेट बनवतात पण त्याच्यात ॲक्टिव मेडिकामेंट तेवढं नसतं आहे. पण जेव्हा ते आपण जे ते तसल्या टाईपचे आपण ड्रग त्या पेशंटला दिल्यानंतर काय होतं की त्यांना त्या पेशंटला असं जाणवतं की आपल्याला रिलॅक्स झालेलं आहे किंवा आपल्याला ते जे पेन होते ते कमी झालेलं आहे तर त्याला काय म्हणणार प्लासिबो असं म्हणणार आहेत. तर व उनका एक माइंड जो रहता है पेशंट का ते असं निर्माण होऊन जातं आहे की आपल्याला डॉक्टरनी हे मेडिसिन दिलेलं आहे आणि आपल्याला आता बरं वाटतं आहे आता कमी झालेलं आहे. पण त्याच्यामध्ये काय असतं प्लासिबो टाईपचे जे ड्रग असतात किंवा ते मेडिकामेंट असतात त्याच्यामध्ये तेवढं काही असं ॲक्टिव मेडिकामेंट नसतो असं एक ओव्हरऑल बाइंडिंग एजंटपासून एक ते बनवलेलं असतं ड्रग. पण ते पेशंटला दिल्यानंतर त्यांना असं जाणवते की आपल्याला आता हे पेन कमी झालेलं आहे आता आपल्याला कमी होत आहे आपलं आपण जे ट्रीटमेंट घेतलेली आहे त्याच्यामुळे आपल्याला रिलीफ मिळून जातो त्याला काय म्हणणार आहेत प्लासिबो असं म्हणणार आहेत. हे तिथं सांगितलं की इनर डोसेज फॉर्म्स जो इनर टाईप की डोसेज रहते हैं फॉर्म्स प्लासिबोस विच रिसेम्बल द ॲक्च्युअल मेडिकामेंट इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज अनोन टू प्रोड्यूस थेरापटिक बेनिफिट इन दिस इज लाईक
आप समझो अनजाना पेक्टोरिस रहता है और ब्रॉन्क्युअल असतं अनजाना पेक्टोरिस मतलब जे चेस्टमध्ये पेन होतो त्याला काय म्हणणार आहेत अनजाना पेक्टोरिस असं म्हणणार आहेत. आणि ब्रॉन्क्युअल असतं म्हणजे जे एअरवेज असतात आपल्या असतं ब्रॉन्क्युअलमध्ये ते ब्लॉक होऊन जातात किंवा आपल्याला चा व्यवस्थित श्वास घेता येत नाही त्याला काय म्हणणार आहेत ब्रॉन्क्युअल असतं. अशा पेशंटमध्ये आपण काही ड्रग्स त्या पेशंटला देतो जे की तेवढं त्याच्यामध्ये ॲक्टिव्ह मेडिकामेंट नाही आहे पण ते काय करतात एक थेरॅप्युटिक बेनिफिट त्या पेशंटला देतात त्याला काय म्हणणार आहेत प्लासिबो असे म्हणणार आहेत. त्या पेशंटचं एक माइंडच निर्माण होते की डॉक्टरने आपल्याला हे मेडिसिन दिलेले आणि आपल्याला रिलीफ होत आहे असं त्याला काय म्हणणार आहेत प्लासिबो. तो आज के लिए फर्स्ट से देखेंगे हम क्या क्या हमने स्टडी किए थे कौन कौन से जो फैक्टर थे जो कि अफेक्ट करते हैं डोज के वास्ते. हमने पहले पोस्टोलॉजी की डेफिनेशन देख ली थी उसके बाद डोज और डोसेज का डिफरेंस हमने स्टडी कर लिया. देन नेक्स्ट कुछ फैक्टर रहते हैं कि जो कि अफेक्ट करते हैं डोज को एज है जेंडर है बॉडी वेट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है देन टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देन इमोशनल फैक्टर प्रेजेंस ऑफ डिसीज एक्युमुलेशन देन नेक्स्ट एडिटिव इफेक्ट सिनर्जिज्म एंटागोनिज्म आइडियोसिनक्रेसी टैकीफिलैक्सिस देन नेक्स्ट मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस एंड देन नेक्स्ट लास्ट इज टॉलरेंसेस. तो हमने आज टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और कहाँ तक देख लिया था हमने इमोशनल फैक्टर तक हमने स्टडी कर लिए. अब जो बाकी का रिमीनिंग जो पार्ट है फैक्टर का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी कर लेंगे. आपको इस चैप्टर की भी नोट्स निकालने हैं साइड बाय साइड राइटिंग नोट्स और क्वेश्चन भी आपको निकालना है. ओके थैंक यू.